वेलकम एंड गुड इवनिंग ऑल। हमने लास्ट वीडियो में देखा था प्रीपोजिशंस का यूज विद नाउंस, विद वर्ब्स एंड विद एडजेक्टिव्स। अब उससे आगे जो प्रीपोजिशंस हैं, इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं, उन सब का यूज देखेंगे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एस जितने इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं उनका यूज, और साथ में उनके साथ जो मेन नाउंस या एडजेक्टिव या मेन वर्ड्स आते हैं उनको भी देखते रहेंगे। तो शुरू करना है आज हमें ए वाला। इनकी संख्या कुल 8 होगी जो मेन प्रीपोजिशंस हैं ए से। मैं सबसे पहले बता देता हूं कि प्रीपोजिशन का जितना भी हिंदी है वो लिखा मिलेगा आपको एक ही स्लाइड में। जैसे कि अबाउट की हिंदी है, इसको अबाउट पढ़ते हैं, अबाउट नहीं अबाउट। अबाउट की हिंदी है के संबंध में या के बारे में। दूसरी हिंदी है के इधर उधर, के लगभग, और चौथी हिंदी है होने होने को। और इन सब का एक एक सेंटेंस मिलेगा एक ही स्लाइड में, और साथ में एक हिंदी जो सबसे अधिक यूज की जाती है उसको रेट किया गया है और अंडरलाइन किया गया है। ऐसे ही सारे प्रीपोजिशंस के साथ यही तरीका अपनाया गया है। हिंदी जो जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है उससे मीनिंग वाला कोरस्पोंडिंग सेंटेंस उसी सीक्वेंस में मिलेगा आपको सारे स्लाइड्स में 8 प्रीपोजिशंस के। तो शुरू करते हैं आज का पहला अबाउट। अबाउट की हिंदी है के संबंध में या के बारे में, के इधर उधर, के लगभग, होने होने को। सबसे अधिक इसका प्रयोग होता है के बारे में या के संबंध में, के मीनिंग में। पहला देखते हैं सेंटेंस, आई नो अबाउट द प्रेसिडेंट। मैं राष्ट्रपति के बारे में जानता हूं, तो यहाँ पे के बारे में का मीनिंग मैच किया। फिर दूसरा सेंटेंस में के इधर उधर मीनिंग होगा अबाउट का। मीरा इज ट्रेवलिंग अबाउट द वर्ल्ड। मीरा विश्व के इधर उधर यात्रा कर रही है, ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पे अबाउट की हिंदी होगी सेकेंड हिंदी के इधर उधर। फिर के लगभग होना चाहिए थर्ड सेंटेंस में। इट इज अबाउट 9 o'clock। 9 o'clock के लगभग है, यहाँ पे समय 9 o'clock के लगभग है, यहाँ पे अबाउट का मतलब के लगभग होगा। फिर होने होने को, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। ट्रेन शुरू चालू होने होने को है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं अबाउट का हिंदी 4 है, और चारों का कोरस्पोंडिंग सेंटेंस लिखा है सेम सीक्वेंस में। अब कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ अबाउट होता है, जैसे कम अबाउट, एंग्सियस अबाउट, गेट अबाउट, टेल अबाउट, सॉरी अबाउट, नो अबाउट, टॉक अबाउट, थिंक अबाउट, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ अबाउट आता है, लेकिन इनका यूज बहुत अधिक करते हैं, उसे ही लिखा है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज अबव। अबाउट के बाद अबव है यह। इसकी हिंदी 3 है, के ऊपर, से परे, से अधिक। के ऊपर का यूज सबसे अधिक होता है। फ्लड वाटर इज अबव हर नेक। बाढ़ का पानी उसके गर्दन के ऊपर है। नेक्स्ट इज से परे होना चाहिए। माई ऑनेस्टी, वही रहेगा, माई ऑनेस्टी इज अबव सस्पिशन। मेरी ईमानदारी संदेह से परे है। सस्पिशन मतलब संदेह, संदेह, और माई ऑनेस्टी मेरी ईमानदारी संदेह से परे है, यहाँ पे से परे आ रहा है। फिर से अधिक होगा तीसरे में। टेम्परेचर इज टूडे अबव 10 degrees Celsius। आज का टेम्परेचर तापमान 10 डिग्री से अधिक, 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। तो इस तरह से आपने देखा अबव की 3 हिंदी है, 3 अर्थ है, तीनों का कोरस्पोंडिंग सेंटेंसेस भी देखा। नेक्स्ट इज अक्रॉस। दिस इज अक्रॉस। आप इसको एक्रॉस नहीं पढ़ेंगे, अक्रॉस पढ़ेंगे। अक्रॉस में इसकी 2 हिंदी है, के आर पार, सॉरी के उस पार और के आर पार। सबसे अधिक के आर पार के अर्थ में प्रयोग होता है। देखिए, हिज हाउस इज अक्रॉस द रिवर। उसका घर रिवर के उस पार, यहाँ पे पहला आएगा रिवर के उस पार है। मान लिया एक रिवर है,
वाटर फ्लो कर रहा है इससे, और एक यहाँ पे हाउस है, तो हम कहेंगे कि रिवर है, यहाँ भी कुछ हाउसेस हैं, तो कहेंगे एबीसी का हाउस की बातें कर रहे हैं, तो कहेंगे कि हिज हाउस मतलब एबीसी की हाउस रिवर के उस पार है, रिवर के उस पार है ना, यहाँ जो बोल रहा है इधर उनकी हाउस है और इधर एबीसी की हाउस बात हो रही है, तो उस पार का मतलब यही हुआ। देर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, अब यहाँ पे ब्रिज बना देते हैं, ब्रिज जो होती है पुल रिवर के ऊपर होती है, तो रिवर के ऊपर मतलब रिवर के आर पार, एक छोर से दूसरे छोर को मिलाती हुई, तो इसको बोलते हैं अक्रॉस, देर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, तो दोनों मीनिंग हो गए। अक्रॉस का यूज जैसे कम अक्रॉस, सामने आना, पुट अक्रॉस, प्रस्तुत करना, गेट अक्रॉस, रन अक्रॉस, ये सब जो शब्द है ये यूज करते हैं अक्रॉस का। फोर्थ नंबर में आफ्टर, आफ्टर की हिंदी के बाद, के ठीक बाद में, की भांति के बावजूद, चार हिंदी है इसका आफ्टर का। देखते हैं, दे विल स्टार्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट, मतलब वे शुरू करेंगे, वे लोग शुरू करेंगे आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ता के बाद, पहले पहला का है ये के बाद, दूसरा का आएगा के ठीक बाद में। देखते हैं, संडे कम्स आफ्टर सैटरडे, संडे सैटरडे के ठीक बाद में आता है, यहाँ पे ठीक बाद में होगा आफ्टर का मीनिंग। थर्ड, दिस इज अ पोएम आफ्टर कबीर, की भांति हिंदी होगी इसकी आफ्टर के, यह कविता है कबीर की भांति, मतलब जिस तरह स्टाइल का कबीर लिखते थे उसी स्टाइल का है, तो की भांति यहाँ पे हो गया। अब है के बावजूद आना चाहिए, आफ्टर ऑल हिज वेल्थ ही इज नॉट हैप्पी, अपने संपूर्ण संपत्ति के बावजूद, अपने संपूर्ण संपत्ति के बावजूद इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है, तो यहाँ पे आफ्टर की हिंदी आ गई के बावजूद। अब वर्ड्स हैं जो कि आफ्टर लेते हैं, जैसे बी आफ्टर, लुक आफ्टर जानते हैं देखभाल करना, हैंकर आफ्टर ललायत रहना, गो आफ्टर, मेक आफ्टर, नेम आफ्टर मतलब किसी के नाम के ऊपर नाम रखना, रन आफ्टर, मैड आफ्टर, टेक आफ्टर, ऐसे सारे सारे वर्ड्स हैं और भी हैं जो कि आफ्टर को डिमांड करते हैं। आगे बढ़ते हुए अगेंस्ट पे, अगेंस्ट की हिंदी है के विपरीत या के विरुद्ध, दोनों का एक ही मतलब है, से सटकर के बदले में, तीन इसकी हिंदी होगी, सबसे अधिक के विरुद्ध का प्रयोग करते हैं, द गवर्नमेंट इज नॉट अगेंस्ट द फार्मर्स, सरकार किसानों के विरुद्ध, के विरुद्ध नहीं है, नॉट है तो नहीं है मीनिंग आएगा, सरकार किसानों के विरुद्ध नहीं है। दूसरा, राम इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, से सटकर होनी चाहिए, राम इज लीनिंग, राम झुका हुआ है था, राम वॉज लीनिंग, राम झुका हुआ था अगेंस्ट द वॉल, वॉल से सटकर, राम वॉल से सटकर झुका हुआ था, के बदले में आएगी नेक्स्ट हिंदी, टिकट्स विल बी इशूड अगेंस्ट पेमेंट, टिकट्स दी जाएगी, टिकट्स दी जाएगी भुगतान, पेमेंट भुगतान के बदले में, पैसा देने के बदले में टिकट दी जाएगी, उसको बोलते हैं पेमेंट, तो इस तरह से अगेंस्ट फिनिशेस। नेक्स्ट कम्स अलोंग, दिस इज अलोंग, अलोंग नहीं अलोंग, के किनारे किनारे, के नजदीक, लेट्स वॉक अलोंग द रिवर ऑफ दिस, सॉरी, लेट्स वॉक अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर, इस नदी के किनारे किनारे, लेट्स वॉक, वॉक करते हैं, इस नदी के तट के किनारे किनारे, यहाँ पे किनारे किनारे हो जाएगा, बैंक में इस तट, इस नदी के तट के किनारे किनारे वॉक करते हैं, यहाँ पे के किनारे किनारे आ गया। दूसरा है के नदी, he lives along a forest, वह जंगल के नजदीक रहता है, यहाँ पे along मतलब के नजदीक होगा, वह जंगल के नजदीक रहता है। Now comes another one, that is among, ये बोलेंगे among, among मतलब के बीच में, के बीच में more than two जब होगा number तब among का प्रयोग करेंगे।
जब टू होता है तो वहां पे बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और उसकी भी हिंदी होती है के बीच में। जब हम बी से पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे, लेकिन अभी अमोंग जब दो से अधिक संख्या होती है तो वहां पे अमोंग का प्रयोग करते हैं। देयर इज नो यूनिटी अमोंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के बीच एकता नहीं है, विद्यार्थियों के बीच एकता नहीं है। तो क्लियर है अमोंग का प्रयोग किया है तो नंबर स्टूडेंट्स क्या होगा, मोर देन टू होगा। नेक्स्ट कम्स एंड द लास्ट वन इज एट, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसकी हिंदी बहुत सारी है, में और पर, सबसे अधिक पर के रूप में यूज करते हैं हम इसे। की और के कारण, में लगा हुआ, की दर से, दशा में। तो एक दो तीन चार पांच सिक्स, सिक्स इसका मीनिंग है। देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, आई गेट अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग। यहाँ पे पर या मेक आएगा, तो मैं सुबह 5:30 में जगता हूँ। यहाँ पे मैं आ गया, फर्स्ट से फर्स्ट मैच किया। देन कम्स मीरा लिव्स एट छपरा, मीरा छपरा, छपरा में रहती है, मीरा छपरा में रहती है। तो यहाँ पे देखिए एट का फिर यहाँ पे मे भी आ गया, इधर पर था इधर मे था, तो एक को दोनों को एक मान लेते हैं। जब बड़े जगह पे रहना होता है तो वहां पे इन आता है और छोटे जगहों पे एट आता है। राम वाज गेजिंग एट द मून, राम टकटकी लगाकर देख रहा था एट द मून। यहाँ पे दो नंबर की ओर है तो यहाँ पे की ओर आएगा, राम मून की ओर टकटकी लगाकर या निहार कर देख रहा था या निहार रहा था। तो ये हुआ दूसरा मीनिंग की ओर के लिए। के कारण आना चाहिए तीसरा में, एट हिज घर पे। ही वाज सरप्राइज्ड एट द न्यूज, वह समाचार के कारण चकित था, वह समाचार के कारण चकित था। तीसरा तीसरा मैच हुआ। अब मैं लगा हुआ आएगा और ये चार नंबर से मैच करेगा। वी आर एट वर्क, हम काम में लगे हुए हैं, हम काम में लगे हुए हैं। देन की दर से आना है और एक पांच से पांच मैच करना है। माय कार इज रनिंग एट 40 km/h, किलोमीटर पर आवर। मेरी कार चल रही है एट 40 km/h, 40 km/h की दर से, की दर से। यहाँ पे आएगा पांच से पांच मैच किया, छह है दशा में, सिक्स मैच करना है। इंडिया इज नॉट एट वॉर विथ चाइना, इंडिया चाइना के साथ एट वॉर युद्ध की दशा में नहीं है, इंडिया चाइना के साथ युद्ध की दशा में नहीं है। तो इस तरह से एट बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, इसके बहुत से मीनिंग्स होते हैं देख लिया हमने, जो कि मोस्टली यूज करते हैं, सबसे अधिक पर या मे को यूज करते हैं। देखा आपने दो सेंटेंसेस इसका, कुछ वर्ड्स हैं जो डिमांड करते हैं एट को अपने आगे चाहे अपने पीछे, आगे पीछे करते हैं। एम एट निशाना लगाना, स्माइल एट मुस्कुराना, लॉफ एट हंसना, गुड एट तो बेहतर होना, एट नाइट, एट ईज मतलब आराम से। तो ये सब वर्ड्स हैं जो डिमांड करते हैं एट का। तो हमने देखा है आज जो मीनिंग एंड यूसेस ऑफ प्रीपोजिशंस, उसमें आठ देखा है, अबाउट, अबव, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, अलोंग, अमोंग, एट, और सबकी जितनी हिंदी प्रयुक्त होती है नॉर्मली उसको समाहित कर लिया है। और हमने ये अभी वीडियो बंद करते हैं, कल हम बी से जितना भी प्रीपोजिशंस होगा उसके बारे में